एक तरफ आईपीएल का रोमांच धीरे धीरे अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेके गर्मियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। 22 मई वो तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने रेस्ट की मांग की। अब इस पर सिलेक्टर्स किस तरह से विचार करते हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप को जहन में रखकर इस टीम को पर नजर डालेंगे तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी कि जिसका पक्का है सिलेक्शन वही दे रहे हैं सिलेक्टर्स को टेंशन। इस पर आगे बातचीत करेंगे, बहुत विस्तार से आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो आपने आईपीएल एक्सप्रेस देखा और आईपीएल में अगर आप मैचेस की बात करें तो मुंबई आज भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद से, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद का सूर्य अस्त होता है या सूर्योदय होता है इस बात पर निर्भर करता है कि मुंबई किस तरह का प्रदर्शन करती है। वहीं दिल्ली की टीम ने अपना दबंग अंदाज दिखाया और उन्होंने जिस तरह से पंजाब को हराया उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेक्शन को लेकर और सिलेक्टर्स किस तरह से टेंशन में है उन खिलाड़ियों को लेकर जिनकी जगह वर्ल्ड कप में पक्की मानी जा रही है, इस पर आज डिटेल में बातचीत भी करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और हमारे साथ सबा करीम है। और मज़े की बात यह है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने इस समय चश्मा लगा रखा है, एक ने रंगीन चश्मा लगाया है और एक ने पावर का चश्मा है, यानी कि क्लियर विजन का चश्मा है जो पूर्व सिलेक्टर सबा करीम है उनकी आंखों में है। अब मुद्दा यह है कि जब सिलेक्टर्स बैठेंगे सबा भाई तो रंगीन चश्मा पहन के वो टीम सेलेक्ट करेंगे, जहां पर वो नज़रअंदाज करना चाहेंगे उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी जिनकी पक्की मानी जा रही है, या आपकी तरह क्लियर चश्मा पहन के बैठेंगे और क्लियर सिलेक्शन हो पाएगा? देखिए राजीव, राजकुमार शर्मा का जो मिजाज है वो रंगीन है, इसीलिए वो हमेशा रंगीन चश्मा ही पहनकर मैदान में उतरते हैं या फिर स्टूडियो में भी नजर आते हैं। अब मेरे तो क्लियर ग्लासेस हैं, आँख की रोशनी थोड़ी बहुत कम हो गई है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं देखूँ साफ साफ देखूँ। और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर सिलेक्टर्स के लिए, उनको ये डिसाइड करना है कि क्या ये जो आने वाली तो श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहां पर आपको अपनी तो चलिए पूरी सभा भाई, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है, अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या 2007 वाली कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी जहां पे सचिन, सौरव, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान उनको रेस्ट दिया गया और हम वर्ल्ड चैंपियन बने? क्या क्लियर चश्मे से आप ये देख पा रहे हैं, इस तरह का भी एक सिलेक्शन हो सकता है? नहीं राजीव, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं या फिर जिस तरह से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी बात कही है, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उनको भरोसा है, तो इस तरह की बातें सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि जो ट्रस्टेड फार्मूला है भारतीय चयनकर्ताओं का कि अनुभव के साथ साथ एक दो अगर युवा प्लेयर्स हो जाएं तो उस प्रकार की वो टीम बनेगी। मुझे लगता है जो पिछली श्रृंखला हुई थी भारतीय टीम की T20 जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर जिस तरह की टीम बनाई गई थी उसमें ज़्यादा परिवर्तन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मे भी एक या दो प्लेयर इधर उधर हो सकते हैं राजीव। चलिए, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी हैं और जैसे कि सभा भाई ने कहा कि रंगीन चश्मे के साथ कुछ अलग अंदाज में वो अपनी क्रिकेट को देखते भी हैं और सोचते भी हैं। राजकुमार जी, क्योंकि मामला ये आ जाता है कि जब सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म ना कर रहे हो तो फिर सिलेक्टर्स करें क्या? फिर उनके पास वो कहानी आती है 2007 की, जब 2007 में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, जहीर खान जैसे लोगों ने रेस्ट मांगा कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, उनको आप रिलीज कर दें और फिर वो टीम चैंपियन बनी युवा खिलाड़ियों के साथ। क्या ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिसकी शुरुआत हम कम से कम 22 तारीख को देख पाए? राजीव, मैं यहाँ पे बिल्कुल सभा के साथ सहमत हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। आप अगर देखें किसी भी यंगस्टर ने भी कोई ऐसा ऑथेंटिक परफॉर्मेंस नहीं दिया है कि वो रिप्लेस कर सके रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, क्योंकि अगर आप कुल मिला के बल्लेबाजी में देखें कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है किसी यंगस्टर की जो कि वॉक इन कर सके भारतीय टीम में, और आप इतने बड़े प्लेयर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते एक मतलब एक टूर्नामेंट के फेलियर से। मैं आईपीएल को एक टूर्नामेंट ही बोलूँगा कि इसके बहुत सारे मैचेस ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं है, एक बायलेटरल नहीं है या ये वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं है, तो इसकी परफॉर्मेंस से आप इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर नहीं कर सकते हैं। चले, तो ये राजकुमार शर्मा जी की राय थी, विराट कोहली के कोच हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो दिल्ली आए, दोबारा बेसिक में काम करें और किसी को कहने का मौका न दे, दोबारा से उसी अवतार में वो नजर आए। बहरहाल मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि 22 मई को जब सिलेक्टर्स बैठेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों के लिए टीम तो वो चुनेंगे, लेकिन उनका विजन बहुत ब्रॉड होगा क्योंकि वो तैयारी देखेंगे यहाँ से कि वर्ल्ड कप के लिए टीम कितनी तैयार है।
आईपीएल में जो कुछ हुआ, क्या सिलेक्टर्स के जहन में ये रहेगा या उनको उन चीजों को भूल कर सिलेक्टर्स एक नए सिरे से अपनी टीम चुनेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, 22 मई क्यों बहुत खास दिन बनने वाला है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक सवाल तो जरूर खड़ा होगा, अगर 7 या 8 खिलाड़ी रेस्ट लेते हैं तो फिर क्या भारतीय टीम में आने वाले समय में इन खिलाड़ियों को दोबारा से कंसिडर किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। आईपीएल के मैचेस आप खेलेंगे और हिंदुस्तान के लिए खेलने के बजाय आप रेस्ट की मांग करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। तो आपने देखा हमारी ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि टीम में पक्के माने जाने वाले खिलाड़ियों का क्या हाल रहा है आईपीएल सीजन 15 में, और इसीलिए आज हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या 2007 वाली कहानी या एक्सपेरिमेंट सिलेक्टर्स दोहराने के मूड में हैं, अगर हैं तो फिर क्या 22 तारीख को उसकी पहली झलक हमें देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ रितेंद्र सोढ़ी भी इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, 2007 का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि सीनियर खिलाड़ी को लगा था कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से वो तैयार नहीं है, सचिन, सौरव, लक्ष्मण, जहीर खान, और उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने का फैसला नहीं लिया था कि वो नहीं खेलेंगे। अब किस तरह आप देख रहे हैं एक बार फिर सीनियर खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो अपने आप में सवालों के घेरे में, विराट 34, 38वें नंबर पर रोहित शर्मा बॉलिंग में, बुमराह 28 नंबर पर, भुवनेश्वर कुमार 26 नंबर पर, ये दिखाता है कि किस तरह से ऑफ कलर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि चलिए आईपीएल है इसका प्रदर्शन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसी आईपीएल से खिलाड़ियों को अगर इंडियन टीम में एंट्री मिलती है तो फिर प्रदर्शन तो मायने रखता है। जी हाँ बिल्कुल राजीव, अभी हमारे दोस्त राजकुमार जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आईपीएल मैच टूर्नामेंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे अभी आपने भी कहा आईपीएल से बहुत से लड़के इंडिया खेले, सिर्फ आईपीएल से, तो आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंडिया खेलते हैं, अपनी फॉर्म को हासिल करते हैं, और ये फॉर्म नहीं हासिल कर पाए हमारे दिग्गज। अगर हम विराट की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, बुमराह ऑफ कलर देखें तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो ये रेस्ट की बात हो रही है, देखिए क्रिकेटर बेस्ट होता है जब वो खेल रहा होता है, और जब खेलेगा फॉर्म हासिल करेगा, और ज्यादा T20 क्रिकेट अभी है नहीं है। आप थोड़े दिन में देखेंगे वर्ल्ड कप का पहला मैच आ जाएगा, उससे पहले हम 10 T20 भी इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं, 5 साउथ अफ्रीका मैच लीजिए, 2 आयरलैंड लीजिए, तो क्रिकेट T20 है कहां, कहां पे आप फॉर्म हासिल करेंगे। तो जी हां, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को सोचना होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली जरूर इस पे दोबारा सोचेंगे, क्योंकि अगर वो खेलेंगे, हम सब जानते हैं इन पे वर्ल्ड कप निर्भर करता है, आप नए खिलाड़ियों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हमने पिछली बार देखा वर्ल्ड कप में जब आप अरुण चक्रवर्ती को लेकर गए थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी लेकिन इनएक्सपीरियंस दिखा, तो वी हैव टू हैव आवर टॉप गन्स फायरिंग। चलिए, और भारतीय टीम के साथ सिर्फ फॉर्म की समस्या नहीं है, दरअसल फिटनेस भी एक बड़ी समस्या है सभा भाई। 7 खिलाड़ी इंजर्ड हैं इस समय अगर आईपीएल की अलग अलग टीमों की बात करें, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए आंख मूंद के, क्या यह भी एक वरिंग फैक्टर आपको दिख रहा है? कोई 3 महीने के लिए इंजर्ड है, कोई 4 महीने के लिए इंजर्ड है, किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है, ओवरऑल वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से 22 मई की तारीख को आप किस तरह से देख रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका सीरीज कितनी अहमियत रख रही है आपकी नज़र में? राजीव, चयनकर्ताओं को बहुत ही सख्त निर्णय यहाँ पर लेना होगा। आपने सही कहा, अगर खिलाड़ी इंजर्ड है, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, तो ये सही प्लेटफॉर्म है अपने फॉर्म को दिखाने का, वापस आने का इंजरी के बाद। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा यहाँ पर जो आपकी जो वर्ल्ड कप जो आपको टीम बनानी है उसके सभी के सभी खिलाड़ी ये श्रृंखला जो होने वाली है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहाँ पर वो मौजूद रहें, वो खेलें। अगर आपको ब्रेक लेना है तो फिर आयरलैंड के विरुद्ध जो 2 T20 होने वाला है वहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज में एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला होने वाली है, वहां पर आप ब्रेक ले सकते हैं। पर इस समय सबसे बड़ा काम है कि आपको टीम को तैयार करना है विश्व कप के लिए। और जो 2007 में हुआ था राजीव, वो तो एक सेल्फलेस डिसीजन रहा है हमारे दिग्गजों का। पर यहाँ पर चयनकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी समस्या ये है कि क्या वो इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर यही एक आखिरी मौका है जहाँ पर आप अपने दिग्गजों को टेस्ट करें कि वो फिट हैं कि नहीं, उनका फॉर्म किस प्रकार का है। अगर फॉर्म अच्छा नहीं है तो आवश्यक है कि आप नए खिलाड़ी को लेकर आए, क्योंकि अंत में ये T20 का फॉर्मेट है राजीव, ये बहुत जल्दी बहुत कुछ लेकर आता है, बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, तो आपको उन चेंजेस को ध्यान में रखकर ही टीम का चयन करना होता है। बिल्कुल, और सभा भाई ने बिल्कुल बिंदास राय अपने लुक के हिसाब से रख दी है। राजकुमार जी, चश्मा उतारना ही पड़ेगा आपको लग रहा है? नहीं, मैं सहमत हूँ सभा से, लेकिन मेरा राजीव, अगर हमने पिछले शो में आपको याद हो हमने यही कहा था कि ये राइट टाइम नहीं है रेस्ट लेने का,
और यहाँ पर कम से कम कप्तान को खेलना चाहिए था, क्योंकि एक टीम बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर कि वो देख सकते थे कि अपना वो कौन कौन से प्लेयर्स को वो सेट कर सकते हैं टीम में, या कौन कौन से प्लेयर्स वर्ल्ड आने वाले वर्ल्ड कप में यूजफुल हो सकते हैं। और कप्तान अगर खुद ही नहीं खेलेंगे, एक नया मेकशिफ्ट कैप्टन होगा, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होगी। और जो प्लेयर्स यहाँ पर फॉर्म नहीं प्राप्त कर पाए थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलें और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन करें। बिल्कुल। और रितेंद्र, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आईपीएल में जो कुछ हुआ उसको भूल के आपको नए सिरे से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन अब आप तैयारी करेंगे कैसे जब आप मैचेस खेलने को तैयार नहीं है? अगर मैं जो 14 खिलाड़ी जो पक्के माने जा रहे हैं, जिनमें एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसमें से 7 से 8 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने से इनकार कर चुके हैं, ये खबरें आ रही हैं। ये औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं, सूत्रों से खबर है। कैसे आप देखते हैं, सेलेक्टर्स को बात करनी चाहिए इनसे? हालांकि विराट रोहित शर्मा के लिए तो कहा गया कि इनको ऑलरेडी आराम देने की बात कही भी जा चुकी है। जब आराम देने की बात कही जा रही है, तो फिर किस तरह से आप ओवरऑल सिनेरियो देख पा रहे हैं इस समय टीम इंडिया के सिलेक्शन और सेलेक्टर्स के टेंशन की? देखिए राजीव, हम सब बात करते हैं कि भारतीय टीम को अगर किसी ने एलूड किया है वो है आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी। हम सब जीतना चाहते हैं, और विराट कोहली जब कप्तान थे उनका यही क्रिटिसिज्म होता था कि वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी या आईसीसी इवेंट नहीं जीते हैं। तो अगर हम जीतना चाहते हैं तो कैसे जीतेंगे, उसका तरीका क्या है, उसका प्लानिंग क्या है? उसका प्लानिंग यही है कि आप तैयारी बहुत सक्षम करें, मुकम्मल तैयारी करें। तो अगर आप रेस्ट दे देते हैं तो आपका देखिए एक महीना बिना क्रिकेट खेले निकलेगा। और यहाँ पे हमारे जो IPL प्लेयर्स हैं, अगर हम दिग्गजों की बात करते हैं, they have struggled big time। तो आपने सही कहा, सिलेक्टर्स चेतन शर्मा उनकी टीम जरूर बात कर रही होगी, कहीं ना कहीं ये समस्या है। देखिए रेस्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है, फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो जी हाँ, आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली नोट ऑफ। बिल्कुल। और चिंता क्या ज्यादा लग रही है सबा भाई, सीनियर खिलाड़ियों का फॉर्म में ना होना ज़्यादा चिंता का सबब है, या युवा खिलाड़ियों की फिटनेस आपके लिए ज़्यादा चिंता का सबब है? क्योंकि अगर हम दीपक चहर को देखें, वो अभी 2 महीने और क्रिकेट नहीं खेल सकते, कुछ वैसे ही हाल सूर्य कुमार यादव का है, लगातार वो इंजर्ड हो रहे हैं। 7 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिनमें से 4 या 5 कन्फर्म है वर्ल्ड कप के लिए अगर वो फिट होते हैं। चिंता क्या है ज़्यादा आपको, रोहित शर्मा, बुमराह, विराट का फॉर्म या इन खिलाड़ियों की फिटनेस? मुझे तो सबसे बड़ी चिंता जो है वो है दिग्गजों का फॉर्म राजीव, क्योंकि अगर आपके मेन बैटर्स, विशेषकर ऐसे प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, अगर उनका फॉर्म सही नहीं है तो फिर आपके वर्ल्ड कप प्रिपरेशन में दिक्कतें आएंगी और वर्ल्ड कप के प्रदर्शन में दिक्कत आएगी। जो उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, 1-2 खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड हैं, जो हो सकता आगे समय आगे ना खेल पाए, उनके लिए हमारे पास कई सारे युवा हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं। अब हाल ही में देखिए इस आईपीएल में जो टूर्नामेंट हुए हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे प्लेयर्स, राहुल तेवतिया हो गए, उमरान मलिक हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, कई सारे हैं जो 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 टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पर अंत में मैचेस जिताने के लिए आपको अपने बड़े प्लेयर्स, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज क्यों ना हो, और वो इस समय नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए मैं हमेशा ये बात दोहरा रहा हूँ कि इसीलिए बहुत जल्दी से 30 सेकंड में आपका रिएक्शन लूंगा। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, किसी भी सीनियर खिलाड़ी को उन्होंने रिस्क नहीं दिया है, क्विंटन डिकॉक हो चाहे नोकियो, जो भी उनके मेन खिलाड़ी डेविड मिलर, सभी के सभी भारत के दौरे पे होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं फटाफट 30 सेकंड में? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने सारे के सारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो टीम में खेलने चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा मुकाबला है ये। दक्षिण अफ्रीका की टीम आ रही है और ये एक शानदार प्लेटफॉर्म रहेगा हमें अपनी तैयारी को, अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का राजी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। रितेंद्र, समय नहीं है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने मुंबई इंडियंस की टीम है जो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।